अच्छा ये बात जहन में आप रख लीजिए हमेशा के लिए कि जो शख्स सलीमुल फितरत होता है, नेक नियत होता है, अल्लाह उसको उसकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाता है। ये हो ही नहीं सकता कि आप नेक नियती से ज़िंदगी गुजारें, ये अल्लाह मुझे हक तक पहुंचा दे, मुझे सही राह दिखा दे, एदना सिरातुल मुस्तकीम, और अल्लाह आपको, तो फिर तो ये तो अल्लाह के अदल के ख़िलाफ़ हो जाएगा कि अल्लाह आपसे एक, हाँ अगर आप नमाजों में उसकी बढ़तवी और ज़्यादती की दुआ मांगिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की तौफीक अता फरमा, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, ये भी दे देगा। फिर आप क़यामत में ये मत कीजिएगा कि अल्लाह ताला तूने ये क्यों नहीं बताया कि कौन सा रास्ता हक पे था, तो अल्लाह यही कहेगा ना, तूने मुझसे कभी पूछा कि मुझे उस तरह की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे जिस तरह रसूल पढ़ा करते थे, तू तो मुझसे ये कहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े, नहीं उस तरह की नमाज, उस तरह के रोज़े, उस तरह का हज, उस तरह की ज़िंदगी जैसे कि रसूल ने गुजारी, ये है असल इबादत, ये है असल ज़िंदगी। तो अबू ज़र गफ़ारी के दिल का हाल आपने मालूम कर लिया, अगर अबू ज़र गफ़ारी उन दिनों भी मर जाते तो भी वो बतौर मुसलमान क़यामत में उठाए जाते। अच्छा अबू ज़र गफ़ारी ये जज्बा, ये नीयत लिए हुए ज़िंदगी गुजार रहे थे, मवेशियों को लेकर एक दफ़ा निकले चराने के लिए, एक भेड़िए ने हमला कर दिया, भेड़ें थी वहाँ पर, उन भेड़ों पर, शीप्स पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया, तो उसको मारने के लिए दौड़े, मारा तो वो दूसरी तरफ से आ गया, दाएं तरफ से मार दे तो बाएं तरफ से आ जाता, फिर आगे से, फिर वो बहुत परेशान और गुस्से में, उन्होंने कहा कि तुझ जैसा खबीस, तुझ जैसी बदतरीन मखलूक इस दुनिया में नहीं होगी। बाएजाज़ खुदाबंदी वो भेड़िया गोया हुआ कि मुझसे बदतर और खबीस लोग तो मक्के वाले हैं कि जो अपने सामने नबी को देखते हैं और ईमान नहीं लाते। तो अबू ज़र गफ़ारी फ़ौरन जो है वो अलर्ट हो गए, सिग्नल फ़ौरन उनको मिल गया कि जिस चीज़ की मैं तलाश में था वो नबी आ गया, तो फ़ौरन अपनी जौजा को कहा कि मेरा सामान तैयार करो। आजकल की जौजा होती है तो फ़ौरन दो सूटकेस तैयार करती हैं, एक्सेस बैगेज होता है, फिर किसी को फ़ोन किया जाता कि 75 kg हो गया, 70, आप कुछ करवा दें। एक असा, एक लोटा, दो रोटी, ये था कुल असासा बैगेज, ऊँट वोट भी नहीं लिया कैमिल, पैदल चल पड़े, ये होता है खुलूस। अब आप देखिए कि अबू ज़र का खुलूस, देखिए जिसके पास खुलूस होता है अल्लाह ताला शुरू से उसके साथ होता है, खुलूस ना हो आखिर वक्त तक आप खाने काबा को चूम के भी आ जाएं हजरे असवद को, अब ऐसे ही आएंगे जैसे चौथे इमाम के ज़माने में जो दो उंगलियों के दरमियान बतलाया था ना, उनको इतनी ज़बरदस्त, हाँ जी कहेंगे मेरी दो उंगलियों के दरमियान देखो, तो सब के सब ज़्यादातर उसमें जानवर बारह